दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है कि जो गूगल का प्ले स्टोर यानी कि जहां से हम अपने एंड्रॉयड के स्मार्टफोन में ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, वहां हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे यूज़फुल ऐप्स, जिनमें से कुछ पेड कुछ अनपेड ऐसे ऐप्स हैं जिन्हें हम डाउनलोड करके अपने स्मार्टफोन में एकदम स्मूथली रन करवाते हैं और अपने काम को बिल्कुल मज़े से कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उसी गूगल के प्ले स्टोर पर आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ एकदम वाहियात घटिया से फालतू मैलिशियस ऐप्स जो हमारे किसी भी काम के नहीं होते। तो दोस्तों, मैं अमन सिंह टेक्निकल एजेंडा में आपका स्वागत करता हूं और दोस्तों, हमारा आज का एजेंडा है यही कि आप ऐसे ही फालतू जो मैलिशियस ऐप्स हैं इनसे कैसे बच सकते हैं, या फिर जो आपका डेटा है उन ऐप्स के थ्रू चोरी होने से कैसे बच सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, जब हम लेते हैं एकदम एक नया स्मार्टफोन यानी कि नया एंड्रॉयड का स्मार्टफोन, तब हम सोचते हैं कि अपने स्मार्टफोन में हम कौन कौन से ऐप्स को ऐसे ऐसे डाउनलोड कर लेगी जो हमारा पूरा काम है उसी के थ्रू बढ़िया से एकदम कंप्लीट हो जाए, बिना कहीं जाए, बिना कहीं मूव किए। लेकिन उस समय हम ये नहीं सोचते कि हाँ, जो ऐप हम डाउनलोड कर रहे हैं अपने एंड्रॉयड के स्मार्टफोन में वो सही है या गलत, वो गूगल प्ले स्टोर पर ही डाउनलोड कर रहे हैं या फिर किसी और इंटरनेट के किसी और सोर्स से हम डाउनलोड कर रहे हैं जो चीज़ें वहाँ पर है। मतलब अब आपको वहाँ पे ये देखने को मिल जाता है कि जो आपका गूगल का जो प्ले स्टोर है वहाँ पे आपको कुछ सिक्योर ऐप्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपको एक कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा फर्जी होते हैं, वो बिना मतलब कि वहाँ पे गूगल के प्ले स्टोर पड़े रहते हैं, जो मतलब जिनका कोई पर्पज़ ही नहीं होता वहाँ पे रहने का। अब ये तो हमारे गूगल प्ले स्टोर की बात है। अब इंटरनेट पे ऐसे भी कई सारे सोर्सेज हैं जहाँ पे आपको APK फाइल्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ से आप ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे भी सोर्सेज कई सारे वहाँ पे हैं, लेकिन अब क्या वो सभी के सभी सोर्सेज सही हैं वहाँ पे? क्या आपको लगता नहीं कि हाँ, अगर हम किसी और सोर्स से डाउनलोड कर रहे हैं तो जो हमारा एंड्रॉयड स्मार्टफोन है उसमें किसी और टाइप्स की फाइल अगर आ गई है उसके अंदर, हो सकता है कि आपका डेटा करप्ट हो जाए, आपका स्मार्टफोन ही करप्ट हो जाए, या फिर जो आपका कुछ डेटा ऐसा चोरी भी हो सकता है उसके थ्रू। तो अब जैसे कि लेट अस सपोज कि आपने एक नया स्मार्टफोन परचेज किया, अब उसके बाद आपने कुछ ऐसे ऐप्स को डाउनलोड किया जो आपके लिए काम किए, जैसे कि आपने जेंडर का बात कर लिया, स्काइप ले लो आप, वहीं पे व्हाट्सएप वगैरह, जो आपको मतलब जो हमारे डेली यूज में आता है, जो हमें मालूम है कि हाँ, इन चीज़ों को हम काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं। अब जो ये ऐप्स हैं जेंडर वगैरह, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ पर आपको कोई मतलब सिक्योरिटी को लेकर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं दिख सकती है। लेकिन कुछ ऐसे ऐप्स हैं वहाँ पे यानी कि गूगल के प्ले स्टोर पे, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि जो ऐप्स हैं मतलब बिना वजह वहाँ पड़ी हुई हैं, मतलब 1-2 MB की उनकी फाइल होती है, बस उनका पर्पज़ ही यही होता है कि बस कैसे उन्हें डाउनलोड्स मिल जाए, कुछ पैसे गेन हो जाए या फिर कुछ डाउनलोड्स गेन हो जाए, बस उनका पर्पज़ वहाँ पे यही होता है। या फिर उनका एक और मेन पर्पज़ होता है, आपका डेटा को करप्ट करना, आपके या फिर आपके डेटा को वहाँ से चोरी करना। अभी कैसे कर सकते हैं? अब दोस्तों, लेट अस सपोज कि हमने नया नया स्मार्टफोन ले लिया है, कुछ ऐसे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया जैसे कि जो हमारे काम के बहुत ज़्यादा, लेकिन उस समय हम ये सोचते हैं कि हमारे स्मार्टफोन में कुछ ऐसे एकदम एप्लीकेशन को भर दे कि हमारा स्मार्टफोन एकदम बन जाए सुपर स्मार्टफोन, और उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे मतलब जो भयंकर काम को हम वहाँ कर सकें। लेकिन अब उसी चक्कर में हम ये नहीं सोचते हैं कि हाँ, जो हम कैसे कैसे ऐप्स को डाउनलोड कर रहे हैं, एक्चुअली वो ऐप्स जो है सच्ची में अच्छी है कि नहीं है, वो मतलब गूगल का प्ले स्टोर है गूगल प्रोडक्ट के थ्रू वेरीफाइड है या नहीं है, इन चीज़ों को हम सोचे बिना क्या करते हैं, वहाँ पे गए गूगल के प्ले स्टोर पे धड़ाधड़ डाउनलोड करते हैं वहाँ से, या फिर हम किसी और इंटरनेट के सोर्स से हम डाउनलोड करने लगते हैं। अब लेट अस सपोज कि अगर यहाँ पे हम बात करते हैं गूगल प्ले स्टोर को ही लेके, अगर तो लेट अस सपोज कि हमने एक दो ऐप्स को ऐसे डाउनलोड कर लिया। अब हमने डाउनलोड कर लिया, लेकिन उसका पर्पज़ क्या? लेट अस सपोज कि आपने एक टॉर्च वाला, जनरली अब तो सभी स्मार्टफोन्स में ही आपको देखने को मिल जाता है टॉर्च को ऑन करने वाला जो आपको ये देखने एप्लीकेशन मिल जाता है, या फिर वहाँ पे आपको एक आइकन मिल जाता है जहाँ से आप अपने टॉर्च को अपने स्मार्टफोन जो आपका फ्लैश लाइट है उसे आप ऑन कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डाउनलोड करते हैं उन ऐप्स को, जैसे कि टॉर्च को ऑन करने, जो कि बिल्कुल भी कोई गलत चीज़ नहीं है, वो चीज़ सही है। कुछ ऐसे वहाँ पे एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाते हैं टॉर्च वाले जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते हैं, जहाँ पे आप अपने जो टॉर्च की इल्यूमिनेशन उसे आप अपने हिसाब से 1-3 लेवल्स पे आप कम ज़्यादा लो मीडियम ऐसे कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे भी ऐप्स हैं जो आपसे फालतू के परमिशंस लेते हैं। लेट्स सपोज कि आपने डाउनलोड किया है क्या बोलते हैं टॉर्च वाला ऐप, लेकिन वहाँ पे आपसे वो परमिशंस मांगता है
कॉन्टैक्ट्स के, या फिर आपको परमिशंस मांगता है वो मैसेजेस के। अब आपसे एक टॉर्च क्या है कॉन्टैक्ट्स और मैसेजेस का परमिशन मांग रहा है, तो उससे उसका क्या लिंक हो सकता है? कुछ यहाँ पे मतलब कुछ लिंक ही नहीं बनता है। बिना मतलब की चीज़ मांग रहा है क्यों? क्योंकि ताकि वो आपके डेटा तक पहुँच सके। हो सकता है कि आपके डेटा को वहाँ से चोरी कर सकता है वो। ऐसे ऐप से आप बिल्कुल बच के रहें। लेकिन उस समय क्या होता है कि हमें बस जल्दी रहती है कि हम अपने एप्लीकेशन को कैसे धड़ाधड़ इंस्टॉल कर लें और फटाफट उसे चालू करके अपना काम बढ़िया से एकदम करें। लेकिन उस समय हम चीज़ों को ध्यान से देखते ही नहीं कि हाँ हम किस चीज़ को ओके कर रहे हैं। बस आता जाता है वहाँ पे, हम ओके 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 एग्री एग्री करते जाते हैं। बस उसी एग्री करने के चक्कर में हमारा हो जाता है डेटा चोरी या फिर डेटा करप्ट। तो इन चीज़ों से हमें काफ़ी ज़्यादा एकदम बच के रहना पड़ेगा। अब ऐसे लेट अस सपोज कि एक और एग्जांपल ले लें हम कि यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर नहीं बल्कि हम किसी और इंटरनेट के सोर्स से हम अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, हो सकता है कि आपके स्मार्टफोन से वहीं से कोई वायरस या फिर कुछ ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें आ जाए आपके स्मार्टफोन में, कुछ ऐसे फाइल्स है जो हमारे किसी भी काम के नहीं है। लेकिन हो सकता है कि फिर आपके स्मार्टफोन बग करने लगे, वहाँ पे आपका स्मार्टफोन जो हैंग करने लगे। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए। जो ऐसे एप्लीकेशन से आपको एटलीस्ट उन चीज़ों को जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उन्हें आप बढ़िया से पढ़ें, देखें आपकी यहाँ जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सही है कि नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया कि हाँ एक जो टॉर्च का ऐप है उससे कॉन्टैक्ट और मैसेजेस से क्या लिंक हो सकता है, कोई भी लिंक नहीं है। तो इन चीज़ों से आपको बिल्कुल बच के रहना चाहिए कि हाँ जो वो ऐप से आपसे कैसे परमिशंस मांग रहे हैं, वो परमिशंस आपको ग्रांट करने चाहिए या नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप इन चीज़ों को ज़रूर सीखेंगे और ज़रूर आप थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, फूंक फूंक के कदम रखिए अब आप थोड़ा सा इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए। तो दोस्तों बस हमारे आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप ये ज़रूर समझ जाएंगे कि हाँ हमारे लिए प्राइवेसी कितना ज़्यादा मैटर करती है। आपके हो सकता है कि आपके कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल फोटोज़ हैं, कुछ ऐसी फाइल्स हों जो आप लीक नहीं होने देना चाहते हो, लेकिन अगर वो लीक हो गए तो फिर आपका मतलब काम तो खराब हो ही सकता है। हो सकता है कोई दिक्कत ही आ जाए आपके लिए, कोई भारी भरकम दिक्कत आ जाए आपके लिए। तो इन चीज़ों से आप बिल्कुल भी बच के रहो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन से थोड़ा एक्स्ट्रा जोर लगा के 100 सब्सक्राइबर्स तो हमारे हो ही गए, बस इसी की खुशी में जो लाइक बटन से थोड़ा खींच के दबाएं। आने वाली वीडियो को अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।